हाय हेलो फ्रेंड्स, आर एस साइंस एजू में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनिक्स। इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनिक पे बेसिक चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी डिफरेंट ऑर्गन से बनी हुई है, ईच एंड एवरी ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन लाइक दैट ऑफ सेल कंटेन डिफरेंट ऑर्गेनिक्स। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक्स परफॉर्म डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द सेल्स। कुछ सेल ऑर्गेनिक्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉमन पाए जाते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनिक्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं। लाइक दैट ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। दोस्तों, शुरू करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस इज अ मेन सेल ऑर्गेनिक्स इन द सेल, विच इज़ अ स्पेरिकल राउंडेड, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल इनक्लोजिंग इनवल्व विच इज आउटर मोस्ट कवरिंग, कंटेन क्रोमेटिन न्यूक्लियस, RNA, DNA एंड जीनेटिक मटेरियल, कोऑर्डिनेट सेल एक्टिविटीज लाइक प्रोटीन सिंथिसिस, सेल डिविजन, ग्रोथ, मेंटेन सेलुलर मेटाबोलिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, विच इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर, सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट, एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इंटर एंड एग्जिट द सेल। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज अटैच टू द न्यूक्लियस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, विच इज इरेगुलर इन शेप। देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्पैच। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, प्रोडक्शन एंड मेटाबोलिज्म ऑफ द फैट स्टेरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट, राइबोसोम। राइबोसोम इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर, you can see in big picture. Ribosome is composed of two subunit. There is uppermost portion known as a large subunit and below portion is a small subunit. It is a site for protein synthesis. Protein is synthesized by ribosomes to translate the genetic code into chain of amino acids. माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी इन द पिक्चर, विच इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिक्स। इट कंसिस्ट ऑफ आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स एंड क्रिस्टी। इट्स प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। Golgi complex. Golgi complex is irregular in shape, you can see in the picture, also known as Golgi apparatus, Golgi body or simply Golgi, found in most eukaryotic cell. Receive protein and lipids from endoplasmic reticulum, packages protein into the membrane bound vesicle inside the cell before the vesicles are sent to their destination. Cytoplasm. Cytoplasm is a space except a nucleus and other cell organelles. It is a semi-fluid substance in between the inner cell membrane and outer nuclear membrane, provides support to the cell organelles. Most of the activity occurs in cytoplasm. It's contain molecule and protein. Cell wall, which is outermost covering of the cell, which is absent in animal cell, only present in all plant cell. You can see in the picture. The green portion outermost covering is a cell wall. The outermost layer present in the all plant cell. It can be tough, flexible and rigid.
provide structural support and protection, act as a filtering mechanism in the cell. Composed of a cellulose. Lysosomes. Lysosome is a small spherical structure you can see in the picture, which is a blue in color, which is spherical membrane bound cell organelles. It contains enzyme hydrolase. It is also known as hydrolytic enzyme. Or this bag or lysosomes also known as suicide bag of the cell, because hydrolytic enzyme digest cell bacteria and unwanted material. Chloroplast. Chloroplast is the main cell organelles in plant cell, absent in animal cell. It contains photosynthetic pigment oval in shape. The thylakoids are arranged in a tight stalk called a grana, singular granum. Grana are connected by stromal lamellae. दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को सपोर्ट करो. थैंक यू.